हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम भारत के एक ऐसे महाराजा के बारे में बात करेंगे जिसने रोल्स रॉयस कार को खरीदने और उसे कूड़े का ढेर उठाने के लिए उपयोग किया। बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि लंदन की अपनी फेरी के दौरान महाराजा जयसिंह अपने आम कपड़ों में सैर कर रहे थे, तो उन्होंने वहाँ रोल्स रॉयस के शोरूम देखा तो वे अंदर जाकर उसकी कीमत और खासियतों के बारे में पूछने लगे। दोस्तों, शोरूम के सेल्समैन को लगा कि वो कोई गरीब भारतीय है और उसने महाराजा की बेइज्जती कर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस बेइज्जती के बाद महाराजा जय सिंह अपने होटल रूम में पहुंचे। उन्होंने अपने एक नौकर को कहा कि वो रोल्स रॉयस के शोरूम में फोन लगाए और उन्हें कहा कि महाराजा जय सिंह उनकी कुछ कारें खरीदना चाहते हैं। कुछ घंटों बाद महाराजा जय सिंह अपनी शाही ठाट बाट वे शाही पोशाक पहनकर शोरूम पहुंचे। वहां पर उनके स्वागत के लिए लाल गलीचा बिछवाया गया और सारे नौकर उनके सत्कार में उनके आगे झुक गए। दोस्तों, उस शोरूम में 6 कारें थी और महाराजा ने वो सब खरीद ली, बल्कि उनको खरीद कर उनके नकद पैसे भी उसी समय शोरूम मालिक को दे दिए। बाद में इंडिया पहुंचने पर महाराजा ने नगर पालिका को हुक्म लगाकर ये सारी कारें शहर की साफ सफाई और कूड़ा इकट्ठा करने पर लगा दी। जी हाँ दोस्तों, रोल्स रॉयस जो पूरी दुनिया भर में इतना बड़ा नाम था, अब वो भारत में कूड़ा इकट्ठा कर रहा था। दुनिया की नंबर 1 कारों की कंपनी अब अलवर शहर के कूड़ा इकट्ठा करने के लिए मशहूर होने लगी। ये खबर पूरे संसार में फैलने लगी और अब रोल्स रॉयस कंपनी एक हास्य का पात्र बनकर रह गई। अब अमेरिका या यूरोप जैसे देशों में जब भी कोई अपनी रोल्स रॉयस पर गर्व करता तो लोग उसे यह कहकर चिढ़ाते कि ये तो वही कार है जो भारत के महाराजा ने कूड़ा इकट्ठा करने पर लगवाई है। इसके बाद कंपनी की प्रतिष्ठा को काफी धक्का लगा और उसकी बिक्री में काफी कटौती आई। दोस्तों, उसके बाद कंपनी के महाराजा को माफी पत्र भेजा और उनसे विनती की कि वे रोल्स रॉयस को कूड़ा इकट्ठा करने के लिए ना उपयोग करें। और तो और दोस्तों, रोल्स रॉयस ने महाराजा को 6 और गाड़ियां मुफ्त में देने का प्रस्ताव रखा। दोस्तों, जब महाराज को लगा कि रोल्स रॉयस ने अपना सबक सीख लिया है तो उन्होंने इन कारों को कूड़ा इकट्ठा करने से रुकवा दिया। जी हाँ दोस्तों, ये थे भारत के वो सपूत जिन्होंने भारत की इज्जत के लिए रोल्स रॉयस कारों को कूड़े का ढेर बनाकर रख दिया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो अभी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।